उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद का परिवार सहमा सहमा नजर आ रहा है। इसकी कई वजह हैं, पुलिस का शिकंजा, एनकाउंटर का डर, साथ ही एक ऐसे आईपीएस का नाम जिसने अतीक और मुख्तार गैंग के कई शार्प शूटरों को ठिकाने लगाने का काम किया है। इस ऑफिसर ने 150 से ज्यादा बदमाशों को अपने करियर में ढेर किया है। इस ऑफिसर का नाम है अमिताभ यश। अतीक अहमद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम आरोप लगाया कि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश उनके भाइयों का एनकाउंटर करा सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है अमिताभ यश, जिनकी वजह से अतीक अहमद के परिवार की नींद उड़ी हुई है। कौन है वो आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश, जिसका नाम सुनकर अतीक और अशरफ जेल से बाहर नहीं आना चाहते और परिवार गुहार लगा रहा है कि अगर दोनों जेल से बाहर निकले तो अमिताभ यश एनकाउंटर करा देंगे। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और बेटे का नाम सामने आया। इसके बाद अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, साथ ही आशंका जताई कि एडीजी एसटीएफ उनके बेटों और पति का एनकाउंटर कर देंगे। कौन है अमिताभ यश? अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अमिताभ बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता राम यश सिंह बिहार कैडर में आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन से पढ़ाई की है। अमिताभ यश का बतौर कप्तान पहला जिला संत कबीर नगर रहा। संत कबीर नगर में लगभग 11 महीने एसपी रहे। इसके बाद बाराबंकी, महाराजगंज, हरदोई, जालौन, सहारनपुर, सीतापुर, बुलंदशहर, नोएडा से लेकर कानपुर जैसे बड़े महानगर में अमिताभ यश बतौर एसपी और एसएसपी तैनात रहे। मई 2007 में अमिताभ यश को एसएसपी एसटीएफ बनाया गया। इस दौरान उन्होंने ददवा और दूदांत डकैतों को मारने के साथ ठोकियों को भी ठिकाने लगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कचहरी सीरियल ब्लास्ट हुए तो मायावती सरकार ने एटीएस का गठन किया और अमिताभ यश को एसटीएफ के साथ एसएसपी एटीएस का भी चार्ज दिया। एसएसपी एटीएस रहते अमिताभ यश ने उत्तर प्रदेश में सीमी और हुजी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया और रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। मई 2007 से जुलाई 2009 तक अमिताभ यश एसएसपी एसटीएफ और अक्टूबर 2009 तक एटीएस के एसएसपी रहे। एसटीएफ से हटने के बाद अमिताभ यश एसएसपी नोएडा, डीआईजी कानपुर के साथ डीआईजी रेंज चित्रकूट, आईजी गोरखपुर जोन रहे। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 2 महीने बाद ही मई 2017 में एसटीएफ का आईजी बनाया गया। जनवरी 2021 में आईजी से एडीजी के पद पर प्रमोशन हुआ तो अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ बनाए गए। यानी बीते 5 साल 10 महीने से अमिताभ यश एसटीएफ को संभाल रहे हैं और इस दौरान एसटीएफ ने 50 से ज्यादा अपराधी, इनामी, बदमाश, डकैतों को मार गिराया है। ऐसा माना जाता है कि अमिताभ यश ने पेपर लीक कराने वाले गैंग से लेकर डार्क वेब से नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गैंग तक शिकंजा कसा। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले विकास दुबे और उसके गैंग को अमिताभ यश की टीम ने ही ढेर किया था। यूपी के आयुष प्रवेश घोटाले, टीईटी पेपर लीक मामला, पशुपालन घोटाला या फिर हालिया कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक की कथित भ्रष्टाचार का मामला, इन चर्चित मामलों का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम अमिताभ यश ने ही किया है। तो ऐसे में अतीक अहमद के परिवार को सता रहा डर कहीं ना कहीं उनके लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अतीक अहमद के परिवार के साथ क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।